साथियों, हमारे स्टार्टअप को पूंजी की कमी न हो, इसके लिए देश ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में एक और अहम घोषणा मैं आज इस कार्यक्रम में कर रहा हूं। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। फंड ऑफ फंड स्कीम के जरिए स्टार्टअप्स को इक्विटी कैपिटल रेज करने में भी पहले से ही मदद की जा रही है। आगे सरकार स्टार्टअप्स को गारंटीज के जरिए डेट कैपिटल रेज करने में भी मदद करेगी। साथियों, भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए हमारे युवाओं ने इन 5 सालों में इसकी मजबूत नींव तैयार की है। अब हमें अगले 5 सालों का लक्ष्य तय करना है और ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूनिकॉर्न्स अब ग्लोबल जायंट के तौर पर उभरें, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स लीड करें। ये संकल्प हम सभी बिम्स्टेक देशों का सामूहिक संकल्प हो तो बहुत बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा, सभी देशों के लोगों का जीवन और बेहतर होगा।